रास्ते पे रास्ता जो खुले आसमान में, रास्ते पे रास्ता जो चले ब्रह्मांड में, रास्ते पे रास्ता है, रास्ते पे रास्ता है, रास्ता है। सर आपका नाम बताओ। बीएच मात्रे। अच्छा, और अभी आप कहाँ से हो? डोंबिवली का। अच्छा, और आप ये बिजनेस कभी से कर रहे हो? ओ बचपन से, पिताजी का बिजनेस है। बचपन से कर रहे हो? बचपन से। मतलब अभी कितना साल हो गया आपको, मतलब ये बिजनेस में? मतलब ये बिजनेस को 100 साल हो गया कम से कम, वो ग्राम पंचायत के टाइम। मतलब फैमिली पूरा वही करती है? वही करते। तो पहले भी वो डोंबिवली में ही करते थे क्या? डोंबिवली में पहले से। अच्छा, तो आप दिन में कितना हार बना लेते हो? कम से कम ये 5 रुपये वाला 200 हार। कौन सा, ये 5 का है क्या? हाँ 5 का है। ये 200 हार बनाता है, वो 101 हार बनाता है, 10 वाला 101 बनाता है। मतलब कम से कम दिन का 300-400 हार आप बनाते हैं। हाँ। और सुबह कितना बजे आते हो आप और कितना बजे घर जाते हो फिर? मैं इधर 9 बजे आता, अभी सवेरे 8 बजे आता है, 8 बजे से रात को 10 बजे, 1 बजे के बाद 1 से 3 तक जाता है घर पे। खाना खा के थोड़ा आराम करता? आराम करता है। इसमें कभी ऐसा हुआ है कि आपका कि मतलब ये जो सुई बनाते बनाते कभी ऐसा हाथ में घुस गया है सुई या ऐसा कुछ? वो चलता ही है, लगता ही है, कभी कभी लगता ही है। बाई चांस घाई में रहेगा तो लगता है। इसके लिए हम लोग साल में एक बार इसका सेप्टिक का इंजेक्शन लेता है, टीटी का इंजेक्शन। अच्छा, आप छुट्टी कभी लेते हो? ओ कभी किधर बाहर किधर जाने का, घूमने का तो ही, किधर बाहर घूमने को जाने का तो छुट्टी लेता है, वरना नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं। तो आपको ये जो बिजनेस है उसमें सबसे अच्छा क्या लगता है? धंधा होएगा, ये त्यौहार आएगा, कुछ आएगा तो अच्छा लगता है, त्यौहार व्यवहार कुछ आएगा तो 2 पैसा मिलता है, तभी अच्छा लगता है। सबसे ज़्यादा बिजनेस कभी होता है? गणपति में होता है, गणपति दशहरा में होता है, गणपति में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा गणपति। तभी तो आपका काम बहुत बढ़िया रहेगा ना? हाँ बढ़िया करता है, तभी तो कभी किसको आदमी लोग को बुलाता है, तो ऐसा मतलब 2-3 लोग मिलकर काम करते हैं। तो आप ये जो सब फूल है वो सब किधर से लेके आते हो या किधर से आता है? ये सब नगर जुन्नर अलीबा, ये अपना वसई आलेपटा पुना नांदेड़ ऐसा अलग अलग जगह से जमा होता है, वाड़ा। तो गणपति का कुछ बताओ ना मेरे को, मतलब गणपति में सीजन होता है तभी कैसा आपका काम कैसा होता है, छुट्टी कैसा होता है, क्या कैसा होता है? तभी जितना काम रहेगा उतना काम करता ही हम लोग, जितना ग्राहक रहेगा ऑर्डर रहेगा उतना हम करके देता है, तभी ऐसे छुट्टी का मतलब नहीं। कभी किधर जाने का तो किसको बिठा के किधर गणपति के लिए इसके लिए उसके लिए जाता है कभी। तो आपका गांव किधर है? गांव इधर देवी का पाड़ा। इधर देवी का पाड़ा, इधर डोंबिवली में। डोंबिवली में ही है, मतलब सब पूरा फैमिली पहले से डोंबिवली में ही है? पहले से मात्रे हम लोग ना, इधर अच्छा, गांव वाला है। अच्छा, मतलब जब ही डोंबिवली पूरा जंगल था तभी से आप? अभी ग्राम पंचायत था तभी से हम लोग है। मतलब उसको भी कम से कम 50-60-100 साल हो गया रहेगा ना? 100 साल तो हो गया। 100 साल अभी मेरा 65, उससे पहले का पिताजी का बचपन का धंधा है। इधर ही था? इधर ही था, पहले आगे था, अभी म्यूनसिपल्टी तोड़ के जरा पीछे दिया, लेकिन म्यूनसिपल्टी ने गाला दिया लाए। जो आपके पिताजी थे वो भी बिजनेस इधर से ही करते थे, स्टेशन के सामने। हाँ। तभी लेकिन अब जैसे आप बोल रहे हो 65 ईयर्स हो गए आपका एज है, तो अभी ये स्टेशन नहीं रहेगा ना? स्टेशन नहीं, एक स्टेशन था, एक ही गाड़ी, एक लाइन थी तभी, एक ही लाइन था, अभी एक लाइन पे वही आता था बस, 2 नंबर, एक नंबर और 2 नंबर वही था पहले, फिर बाद में 3 नंबर हो गया, फिर बाद में 4 नंबर हो गया, फिर 5 नंबर, फिर बाद में बढ़ते गए। तो मतलब 50-60 साल पहले डोंबिवली कैसा था? इधर पूरा जंगल ही था, ये रोड नहीं था, खाली एक ही रोड था, ये पूरा जंगल था क्या? हाँ पूरा जंगल था। तभी मतलब तभी आप मतलब आप स्कूल में गए थे तभी? हाँ स्कूल में। कौन सा? एसके पाटिल में? नहीं नहीं, ओ गांव का एक स्कूल था मराठी चाला। हाँ उसमें जाता। तो आपको मतलब क्या पसंद था स्कूल में सबसे ज़्यादा? मतलब स्कूल में कुछ नहीं, इधर ही धंधा ज़्यादा पसंद था बचपन से। बचपन से मतलब स्कूल में आपका मन नहीं लगता था? हाँ पूड़ी बीड़ी वो सब डालना पड़ता था ना, तभी घर घर पहुँचाता था हम लोग, तभी इतना पब्लिक नहीं था, इतना ये नहीं था। और डोंबिवली में हम लोग का 3 दुकान था खाली, ये बाजू में 5 के 6 था बस,
अभी कम से कम नहीं तो भी ये बाजू में 1000 के ऊपर हो गया है धंधा फूल का। फूल का लोग अलग अलग दुकान बनाए हैं, पहला खाली गांव वाले का ही था। अभी अगर किसी को ये बिजनेस करना रहेगा तो आप क्या बोलना चाहोगे उसको, मतलब ऐसा कोई नया बंदा रहेगा जिसको करना है डोंबिवली में नहीं इधर भी पूरा इंडिया में, वो आके हमारे पास काम करेगा सीखेगा और फिर जाएगा। ऐसा बहुत छोकर लोग हम लोग के पास से गया है, कोई किसको नौकरी मिला, कोई ये किया, ऐसा कोई बिजनेस मिलता है ऐसा जाता है। हम लोग क्या इतना पगार नहीं देता है जितना अपने हिसाब से देता है, तो बाद में सीखने के बाद वो लोग इधर उधर जाता है। ऐसा बहुत छोकर लोग हो गया है।